करने वाले हैं अपराधी के खिलाफ ये सारे पहले आपके पहले आप बोल रहे हैं कि 2 करोड़ कब फिर आप बोल रहे हैं कि हम इतने दिन में जब भी वो क्या था। मैंने एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा है, एक और बार बताता हूँ मैं, वो वीडियो को आपके पास, किसी के पास है क्या वो वीडियो? अभी नहीं है बाकी। वो वीडियो मैं जब अब मैं बोल रहा हूँ इसके बाद जाके आप दोबारा वीडियो को देखना हो आपको समझ आएगा। राखी ने मुझे ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था, मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता ना ऐसे इसमें हूँ। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ, और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सरदर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था, नंबर वन। नंबर टू, राखी ने मेरे बिजनेस में, हाँ, ऑटोमोबाइल के बिजनेस में ज़बरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, हाँ। और 8-9 महीने तक राखी, एट टू नाइन मंथ्स राखी मेरे से हर महीने के 5 से 8 लाख रुपए इन अकाउंट, कैश नहीं, प्रॉफिट ले रही थी। एक बार कुछ अनबन हुई मेरी और राखी की, ये वीडियो के बाद ही हुई। मैंने बोला राखी तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स मत करो यार, खत्म करो। और मैंने 41 लाख रुपीस राखी के अकाउंट में वाइट में दोबारा ट्रांसफर भी कर दिए। अब जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट बनता है, जब मैं फाइनेंशियल्स में बैठा था राखी के साथ, मैं बोलता था राखी हम खत्म करते हैं, तो मैं राखी को बोलने लगा कि राखी हमें काम करते हैं, हमारा फाइनेंशियल्स को एक बार पेपर में लाके देखते हैं क्या है किधर है, हम खत्म करते हैं। जब फाइनेंशियल्स में हम लोग बैठे तो पूरा हिसाब किताब जब हो गया, राखी बोली चलो बोलो 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 फाइनेंशियल देखते हैं। तो मैंने कहा ये है हिसाब, और इसके हिसाब के, ये हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीज़, क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था, कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ मुझे, मैंने राखी को पैसे दिए थे, राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था, डैन्यूब प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था। क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी वॉज लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं इन्हीं, उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं, 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं ही भरूंगी हर महीने, हमारा घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था। तो मैंने 25 लाख रुपये राखी के अकाउंट में ट्रांसफर किए, मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद राखी का एक इंपीरियल हाइट्स में घर है जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की वजह से NPA हो चुका था लोन में, जिस पे लोन था 40 लाख रुपए के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा है टाउन ब्रांच में, मैं वहाँ पे जाके पैसे ट्रांसफर किया था 20 से 30 लाख के अंदर एक रकम, वो भी मेरे पास एविडेंस है। और राखी सावंत एक आके बोलती है मुझे एकेडमी करना है, स्कूल करना है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट करना है, तो मैं राखी को बोला था इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है राखी, तो मैं ये नहीं करूँगा। इस वजह से 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने साइन भी किए थे, देन आई मेड श्योर मैं एक्टिंग क्लासेस गया, मैं समझने लगा कि एक स्कूल कैसे करना चाहिए, हु आर द टॉप स्कूल्स, क्या क्या कोर्सेज हम रख सकते हैं। देन आई केम, राखी को मैंने बोला कि हम ये करते हैं राखी, तो राखी बोली मेरी जगह है आप इन्वेस्ट करो, जिसमें मैंने 40 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे मार्केटिंग सब, आपको तो पता है ना हमारी अकेडमी खुलने वाली थी, वो आ रहा था, हमारी स्कूल खुल रही है, वो सब मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, उसमें मैंने 10-12 लाख लगाए थे। उसके अलावा हमारा रादिल प्रोडक्शंस था, एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने पैसे लगाए थे। ये सब जो हिसाब किताब अगर हम टैली करते थे तो राखी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मुझे देना बाकी था। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ राखी मुझे पैसे देना है, आई हैव एन एविडेंट प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फॉर दैट, ये है बॉन्ड जिसमें मेरा सिग्नेचर है, नीचे राखी का सिग्नेचर है, अगेन आई विल फॉरवर्ड दिस इन ग्रुप, अभी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, और थंब भी है राखी का। एक सेकेंड राखी, अब राखी को एक और बात, अभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज ओके, नया एपिसोड मत कर। मैंने कहा ग्रुप में मैं भेजूंगा। और ये है रादिल प्रोडक्शंस की पार्टनरशिप डीड, अरेस्ट बैंक स्टेटमेंट हमने पुलिस को ऑलरेडी दे दिए हैं, सारे पेमेंट उसी ग्राउंड्स में भील मिली है मुझे। हाँ, ये जो अभी इसकी बात करूँ, किसकी, एकेडमी की, एकेडमी के चलते 1-2 लोग इसके, इससे धोखा भी खा चुके हैं, जो दुबई में हम एकेडमी करने वाले थे वहाँ पे एक बहुत अच्छी लेडी हमें मिली थी, उनका नाम है हिना साजन,
उनके साथ माइंड गेम्स खेला, उनको उस कंपनी से निकाला राखी ने, बहुत कुछ किया उनके साथ। उसके बाद देविका आचार्य करके एक नई इन्वेस्टर थी, उनके साथ उन्होंने बहुत कुछ किया, एकेडमी के नाम पे बहुत कुछ पैसे लूटे हैं उनसे। आफ्ताब, तीन इन्वेस्टर से भी उन्होंने बहुत कुछ पैसे लिए हैं और जाके एकेडमी बहुत शानदार से ओपन कर दिया था राखी सावंत जी ने दुबई में, जो एकेडमी करेंटली बंद है, बंद हो चुकी है, बिकॉज उनको तो बिजनेस समझ नहीं आता। उनको तो बिजनेस का मीनिंग ये है कि एकेडमी खोलो, लोगों को लूट लो और भाग जाओ, यही किया है राखी ने। एकेडमी खुल भी गई और बंद भी हो गई, क्योंकि चलाने वाला तो इधर बैठा है, आइडिया तो मेरा था। अकॉर्डिंग टू द डीड, एकेडमी की ओनरशिप मेरी है, लीगल राइट्स मेरे हैं, फ्रेंचाइजीज मेरे हैं, पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है। राखी सिर्फ ब्रांड है, नाम सिर्फ नाम है। लॉ भी अंधा होता है। सबसे पहले जेल, मैं ये नहीं चाहता कि जिंदगी में मेरे दुश्मन को भी जेल जाना पड़े। जेल एक नाइटमेयर है, क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ। पहले भी आपने कोई इंटरव्यू में देखा होगा, रिसेंटली जो मुझे जेल में मिले थे एजाज भाई, उन्होंने भी बताया एग्जैक्टली जेल ऐसी होती है। खाना ठीक से नहीं मिलता, कुछ भी ठीक से नहीं मिलता, और तन्हाई में ना इतने महीने जब आप बैठते हो, आप सोचते हो अगर आप सच में कुछ गलती की हो ना, आपका ज़मीर भी आपको जवाब देगा कि हाँ यार तूने तो गलती की है, तुझे एक सज़ा। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक एक छोटी से छोटी गलती मेरी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी, क्या राखी को प्यार करना मेरी भूल थी, क्या राखी के साथ अच्छा टाइम बिताना, राखी के ऊपर लाखों रुपए लुटाना, राखी के कपड़े ड्रेसिंग सेंस, जो राखी हर हमेशा बोलती थी आदिल मेरे कपड़े डिज़ाइन करता है, उसको लेके जाके बीवी के नाते दुबई मॉल में लेके जाके गुची, प्रहडा, लुई वितो, मोबला, ऐसे ब्रांड्स में कपड़े दिलवाता था, एक एक ड्रेस एक एक लाख की। उसको इतने अच्छे से मैं रखा था इस्लाम में, कपड़े ढंग से पहनो। आज तो राखी सावंत जी इस्लाम के, इस्लाम कोई भी रिलीजन को राखी नहीं छोड़ रही है, ना क्रिश्चियन को छोड़ी है, ना हिंदू को छोड़ी है, ना मुसलमान को छोड़ी है। वीडियो बना के डालती है, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रोज़ा रह रही हूँ, एक हफ्ते 10 दिन पुरानी रिसेंट उसकी उनके पोस्ट में उनके कपड़े ठीक से नहीं है, बोल रही है क्लीवेज दिख रहा है, वो ये कपड़े होते हैं क्या? आप लोग नोटिस करो, जब मैं था कितने अदब से राखी को रखा था, कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी, कपड़े कैसे थे राखी के, आई यूज टू कंट्रोल हर लाइक माई वाइफ, समझाता था, प्यार करता था और बोलता था कि ऐसे कपड़े पहनो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें तमीज़ सिखाता हूँ, इतना सब मैंने किया। आई डोंट थिंक मुझे एक सेकेंड भी ये चीज़ के लिए ना जेल में डिजर्व करता हूँ। राखी के गलतियाँ रख के, राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। हाँ ऑफकोर्स मुझे धोखा ही दिया ना, अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों मुझसे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर। लेट मी कंप्लीट।